स्टूडेंट्स, ये आज का वीडियो लेक्चर जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूं, क्लास नाइन्थ के मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। और अगर आप क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट हैं और सोच रहे हैं कि कौन से चैप्टर का वीडियो लेक्चर है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये किसी एक सिंगल चैप्टर को कवर नहीं करेगा, बट ये एक कंप्लीट रिविजन लेक्चर है। बिल्कुल सही आपने सुना, कंप्लीट रिविजन लेक्चर, जिसमें मैं हर चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजों को कवर करूंगा, क्योंकि आपके एग्जाम्स के लिए आपकी कंप्लीट रिवीजन होना बेहद जरूरी है। इसलिए जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बेसिक है, एक क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट को ये बातें पता होनी चाहिए। इसलिए जो जो बातें मैं बताऊं, जो जो बातें मैं आपको सिखाऊं, वो आप बहुत बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। इतनी सारी बातों को सुनकर आपके बहुत सारे बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो जाएंगे। तो आपके बेसिक्स को पक्का करने के लिए ही ये वीडियो लेक्चर बनाया गया है, जिससे कि आपको बहुत ज्यादा फायदा हो, आपके एग्जाम्स की तैयारी आप अच्छे से कर पाए और आपके मार्क्स भी अच्छे आ पाए। तो विदाउट एनी डिले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर हमारा मैथ्स का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। देखो, मैं आपको पहले भी नंबर सिस्टम के वीडियो लेक्चर दे चुका हूं, लेकिन आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं हर चैप्टर से कुछ बेसिक टॉपिक्स उठाऊंगा, उनके बारे में आपको बताऊंगा, ताकि आपकी रिविजन होती चली जाए। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में सबसे पहला और सबसे बेसिक क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में आता है, तो आता है हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर। बिल्कुल सही आपने सुना, हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन रैशनल नंबर। कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में अगर हमें नया रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करते हैं? एक क्वेश्चन लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहला उठाते हैं हमारा टॉपिक नंबर वन। टॉपिक नंबर वन, दो रैशनल नंबर्स, आई रिपीट माय सेंटेंस, दो रैशनल नंबर्स के बीच में, दो रैशनल नंबर्स के बीच में न्यू रैशनल नंबर, दो रैशनल नंबर के बीच में न्यू रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं? न्यू रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं? न्यू रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं? दो रैशनल नंबर है हमारे पास, और दो रैशनल नंबर्स के बीच में नया रैशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं? बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आया फाइंड अ रैशनल नंबर, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/7, फॉर एग्जाम्पल। तो जब भी आपको कोई दो नंबर दिए जाए, मैं अपनी बात रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको कोई दो नंबर दिए जाए, तो एक को आप ए मान लीजिए, एक को मैंने मान लिया 1/2, एक को आप बी मान लीजिए 1/7। तो दो नंबर्स के बीच में, बहुत ध्यान से सुनना, दो नंबर्स के बीच में आने वाला रैशनल नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी बाय टू, फिर ए की वैल्यू इज 1/2, बी की वैल्यू इज 1/7 डिवाइड बाय टू। इसको सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 और 7 कैल्शियम लेंगे, तो 2 और 7 कैल्शियम लिया तो 14 आया, 1 को मल्टीप्लाई किया 7 से, प्लस 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से, डिवाइड किया आ गया 2, तो यहां पे आ गया हमारे पास 1 into 7 7, 1 into 2 plus 2 डिवाइड बाय 14 डिवाइड बाय 2, तो ये बन गया 9/14 डिवाइड बाय 2/1। देख रहे हैं, 9/14 डिवाइड बाय 2/1, और वी कैन से कि हमें मिलेगा 9/14 इंटू 1/2, आंसर कम्स आउट टू बी 9/28। तो 9/28 आया, एक ऐसा नंबर आया, किसके बीच में आया? ए और बी के बीच में। ए और बी कौन था? 1/2 1/7। तो अब हम टीचर को लिख के दिखाएंगे कि टीचर 1/2 से हमने करी शुरुआत, 9/28 हमने पता लगा लिया, और 1/7 हमारा वो था जिसके बीच में हमें ये पता लगाना था। वेरी सिंपल। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं, रैशनल नंबर के चैप्टर में, नंबर सिस्टम के चैप्टर में पूछे जाने वाला सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन अगर कोई होता है, तो वो होता है हाउ टू फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू गिवन नंबर्स। कोई भी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर आपको जब भी फाइंड करने के लिए कहा जाएगा, सो दो नंबर्स के बीच में फाइंड किए जाने वाला रैशनल नंबर को पता लगाने का तरीका होता है कि दोनों नंबर्स को प्लस करके डिवाइड बाय टू कर दो। तो एक को ए मान लो, एक को बी मान लो। टेक्निक्स और भी है, बहुत सिंपल टेक्निक्स और भी है, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एज पर एनसीईआरटी सिखा रहा हूं, ताकि जो मैं सिखाऊं कम से कम बुक में नजर तो आए,
इसलिए आपको जो मैंने ये बात बताई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के अंदर पूछे जाने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा नंबर सिस्टम के चैप्टर में हमें एक चीज और पता होनी चाहिए कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, आई रिपीट माय सेंटेंस, जब भी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं सो दो पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर डिवाइड हो जाएगा या नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगर नंबर डिवाइड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, रिमाइंडर जीरो आएगा। अगर नंबर डिवाइड नहीं हुआ तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो रिमाइंडर जो बचा है वो डेसिमल फॉर्म के साथ बचेगा, या रिमाइंडर जो बचा है वो बिना डेसिमल फॉर्म के बचे। एक बच्चा कहता है मतलब, मेरे कहने का मतलब ये कि अगर एक नंबर को हम दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो शायद वो डिवाइड ना हो, पूरी तरह से डिवाइड ना हो, इसका मतलब रिमाइंडर तो बचेगा, क्योंकि रिमाइंडर बचेगा तो जो क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल सही आप सुन रहे हैं, जो क्वेश्चन आएगा वो डेसिमल में भी आ सकता है और बिना डेसिमल के भी आ सकता है। तो जब भी किसी भी नंबर को हम करते हैं डिवाइड किसी नए नंबर से, जब भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं किसी नए नंबर से, तो जो हमें क्वेश्चन मिलता है या तो वो डेसिमल के साथ मिलेगा या वो डेसिमल के बिना मिलेगा। अगर वो डेसिमल के साथ मिला तो उसकी डेसिमल फॉर्म को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही आपने सुना, हमारा टॉपिक जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म, आप सुन रहे हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म। अब एक बच्चा बोला ये टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म क्या होता है? भाई डेसिमल फॉर्म का मतलब कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करे जाने के बाद जो मिलता है हमें क्वेश्चन, उसकी डेसिमल फॉर्म क्या है? देर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म। ये रिविजन लेक्चर है, मैं सब कुछ बहुत बारीकी से नहीं बताऊंगा। अगर इस आपको इतनी बातें भी अगर नहीं पता है, आप नाइन्थ क्लास में बैठे हो और इतनी बातें आपको नहीं पता है, तो मेरा क्वेश्चन, आपको नाइन्थ क्लास में भेजा किसने, आप आए कैसे नाइन्थ क्लास में, अगर इतना भी अभी आपको नहीं पता है। ये मिड टर्म का टाइम चल रहा है, साल का ऑलमोस्ट 6 months गुजर चुके हैं, तो जिस टाइम पे मैं आपको ये वीडियो लेक्चर दे रहा हूं उस टाइम पे बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। आप नाइन्थ क्लास में आए कैसे, 8th क्लास की बातें हैं, 9th में तो रिपीट हो रही है भाई, तो आपके लिए सुनना बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ डेसिमल फॉर्म हमारा अगला टॉपिक, आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। आइए आपको अगली चीज बताता हूं, हमारा टॉपिक नंबर 2, क्योंकि रिवीजन लेक्चर चल रहा है तो रिवीजन में फटाफट बातें आपको बताई जाएंगी। हमारा टॉपिक नंबर 2, आई रिपीट माय सेंटेंस, टॉपिक नंबर 2 जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म, आई रिपीट माय सेंटेंस जिसे हम कहते हैं टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म। अब टॉपिक नंबर 2 में जो टाइप्स ऑफ डेसिमल फॉर्म है वो दो तरह की आती है, दो तरह की। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैंने एक नंबर लिया 22 और 22 को डिवाइड किया 7 से, तो 7 3 जा 21, रिमाइंडर बच गया 1, डेसिमल लगाया 10, 7 1 जा 7, फिर 3 लगाया, डेसिमल है 30, 7 4 जा 28, फिर 2 लगाया, डेसिमल है 20, 7 2 जा 14, फिर 6 आया, डेसिमल है 60, 7 8 जा 56, 4 आया 40, अब 40 बन जाएगा, 7 5 जा 35, फिर आया 5, 50 आ गया, 7 7 जा 49, एंड द प्रोसेस विल कीप ऑन रिपीटिंग। इस केस में डिवाइड करने पर, आई रिपीट माय सेंटेंस, डिवाइड करने पर डेसिमल, डेस डिवाइड करने पर डेसिमल फॉर्म में, डिवाइड करने पर डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चंट मिल रहा है, डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चंट मिल रहा है, डेसिमल फॉर्म में क्वेश्चंट मिल रहा है, एंड रिमाइंडर जीरो के बराबर नहीं। क्या रिमाइंडर जीरो आया? नहीं आया। ऐसी डेसिमल फॉर्म जिसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आता उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। ऐसी डेसिमल फॉर्म जिसमें रिमाइंडर जीरो आता है उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। तो सुनो ध्यान से, जब भी किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से किया जाता है डिवाइड, सो दो पॉसिबिलिटी है, या तो हो जाएगा पूरी तरह डिवाइड या तो नहीं होगा पूरी तरह डिवाइड। अगर हो गया पूरी तरह डिवाइड तो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, अगर नहीं हुआ पूरी तरह डिवाइड तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा इसका मतलब पूरी तरह डिवाइड नहीं हुआ है। जब कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म वो डेसिमल फॉर्म होती है जब रिमाइंडर जीरो नहीं आता। टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म
वो डेसिमल फॉर्म होती है जब रिमाइंडर जीरो आ जाता है। तो रिमाइंडर जीरो आ गया तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहलाएगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म कहलाएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म भी दो प्रकार की होती है, या तो डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट करेगी या डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट नहीं करेगी। अगर डेसिमल के तुरंत बाद डिजिट रिपीट ना करे तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। और अगर डिजिट रिपीट करे, फॉर एग्जांपल देखिए अगला एग्जांपल 100 है, 100 को डिवाइड कर रहे 3 से, तो 333 जा 99, 1 डेसिमल, हमने क्या करा 10 लगाया, 3 बन जा 3, फिर आया 9 डेसिमल है हमारे, सॉरी 3 एक बार 3 बन जा, हम यहां पे कर सकते हैं 3 3 जा 9, फिर आया 1, फिर आया 10, 3 3 जा 9, फिर 110, 3 3 जा 9, फिर 110, 3 3 जा 9। तो इस सिचुएशन में 33.33333333 तो 33.3 के ऊपर बार लगा दिया। जो डिजिट रिपीट करती है, आई रिपीट माय सेंटेंस, जो डिजिट रिपीट करती है उसके ऊपर हमेशा बार लग जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि व्हाट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म एंड व्हाट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। नंबर सिस्टम के चैप्टर में टॉपिक नंबर 2 में यही बात सबसे इंपॉर्टेंट थी, आपको पता होनी चाहिए। बिल्कुल सही, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर, ये बातें आपको समझ आ रही हैं कि कैसे हम किसी भी नंबर को डिवाइड करके उसकी डेसिमल फॉर्म को पहचान सकते हैं। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में रिवाइज किए जाने वाला टॉपिक नंबर 3 है द टॉपिक ऑफ रैशनलाइजेशन। बिल्कुल सही, इस चैप्टर से अगर कोई चीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो उसे कहते हैं रैशनलाइजेशन। केवल और केवल ध्यान से सुनो, रैशनलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए स्क्वायर रूट क्या होता है। भाई अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो और आपको स्क्वायर रूट नहीं पता, फॉर एग्जांपल आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो और आपको स्क्वायर रूट नहीं पता, तो टेक माय एडवाइस, आप 9th क्लास छोड़ दीजिए। आपको स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं पता, मैं बहुत अच्छी सजेशन दे रहा हूं, छोड़ दो 9th क्लास, आप 9th क्लास के लिए नहीं बने हो, इसलिए आपको स्क्वायर रूट तो पता होना चाहिए। 8th क्लास का बेसिक है, 9th क्लास में काम आ रहा है, आपको पता होना चाहिए। सुनो स्क्वायर रूट क्या होता है, बहुत सिंपल, किसी भी चीज का स्क्वायर रूट मतलब उसके फैक्टर्स निकालना। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 36, तो स्क्वायर रूट ऑफ 36 क्या होगा, 6 × 6, ये पेयर बन गया तो आंसर आ गया 6। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 214, अब 214 के फैक्टर निकालेंगे, 214 के फैक्टर निकालिए, 21 जा और 0 जा 27 जा, देखा आपने ऐसा, तो हमारे पास क्या आ गया 107 आ गया। अब 107 अगर हम देखें किसी नंबर से हमारा जाएगा कि नहीं जाएगा, 107 हमारा किसी से नहीं जा रहा, तो हम एक काम करते हैं इसकी जगह कोई दूसरा नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिया 636, लिया तो मेरे पास आ गया 3 2 जा 3 1 जा, और हमारे पास आ गया 3 2 जा 2 1 2 आ गया, फिर हमारे पास आ गया 2 1 जा 2 0 6 जा, फिर आ गया 2 5 जा 10 2 3 जा, और हमारे पास आ गया 53 1 जा। अब देखो सर 636 के फैक्टर अगर हम निकाले तो अंडर रूट में आ गया 3 × 2 × 2 × 53। देख लीजिए एक बार, तो 2 का पेयर बन गया, रूट से बाहर आ गया, जिसका पेयर बनता है वो रूट से बाहर आ जाता है, अंदर कौन बच गया 53 × 3। इसे क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो आज के बाद मैं दोबारा बोल रहा हूं, आज के बाद रूट के अंदर कोई भी नंबर आए तो सबसे पहला स्टेप उसे फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने का मतलब उसके प्राइम फैक्टर निकालो, और जो नंबर दो बार पेयरिंग में नजर आ रहा है उसे बाहर निकालो।
ये फैक्टराइजेशन करना आना आपके लिए बेहद जरूरी है। रूट के अंदर आपको चाहे कैसा भी नंबर आ जाए नजर, तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये देखो क्वेश्चन आया सॉल्व द फॉलोइंग, बहुत ध्यान से सुनना, जो बातें हूं बता रहा, जो बातें हूं समझा रहा, ये बातें आपको समझ आनी। हमारे पास क्वेश्चन आया सॉल्व द फॉलोइंग, पेपर में क्वेश्चन आया अंडर रूट 75 प्लस 15 रूट 5 एंड माइनस अंडर रूट 225। ध्यान से देखो पेपर में क्वेश्चन आया, तो पहला काम फैक्टराइज करो, 75 को फैक्टराइज किया तो 5 बन जा 5 और हमारे पास आया 25, तो हमारे पास आ गया 5 15 जा, देन कम्स 5 3 जा एंड हमारे पास आया 3 बन जा। तो देखो ये हमारे पास आ गया अंडर रूट में 5 × 5 × 3, तो ये आ गया मेरे पास 5√3। देख रहे हैं, प्लस इधर मेरे पास क्या आया 15√5, माइनस इधर मेरे पास क्या आया 50। देख रहे हैं, तो ये सिंपलीफाई हो गया। अब ये और ये तीनों अलग टर्म्स हैं तो सॉल्व नहीं हो सकती, तो हमारा आंसर यही है। इसलिए कभी घबराना मत, इतना बड़ा आंसर देखे मैंने जान पूछ के ऐसा क्वेश्चन उठाया। बच्चे सोचते हैं ऐसा कैसे हो गया, तो सॉल्व ही नहीं हो रहा फर्दर। अरे नहीं हो रहा भाई फर्दर, एक बच्चा कहता है मुझे कैसे पता चलेगा कि ये फर्दर सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये पता लगाने के लिए कि ये फर्दर सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता है, कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल सही, कुछ बेसिक रूल्स होने चाहिए जो आपको पता होने चाहिए। आइए आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बेसिक रूल्स फॉर रूट वाले नंबर्स। मैं जो बातें हूं बताऊंगा, जल्दी जल्दी सुनाऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनना। बेसिक रूल्स फॉर रूट वाले नंबर, पहला रूल, अगर रूट के अंदर कोई नंबर है ए और उस नंबर को उसी नंबर से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूल नंबर वन कहता है कि अगर रूट के अंदर कोई नंबर है ए और रूट के अंदर कोई दूसरा नंबर है ए, तो रूट वाले सेम नंबर के आंसर में रूट हट जाता है। मैंने रिपीट करा कि रूट के अंदर अगर कोई सेम नंबर होगा तो रूट हट जाएगा। एग्जांपल, रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, रूट थ्री को रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। आपका एग्जांपल नंबर 2, रूट ए को मल्टीप्लाई किया रूट बी से तो मल्टीप्लाई होके ए भी आएगा, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। रूल कहता है कि अगर रूट के अंदर एक नंबर है और रूट के अंदर दूसरा नंबर है, तो कोई भी दो नंबर अगर रूट में है और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आइए, तो एग्जांपल आया रूट टू को मल्टीप्लाई किया रूट थ्री से, तो आंसर आया रूट सिक्स। अगर मैंने लिखा 2√2 को मल्टीप्लाई किया 3√3 से, तो बाहर वाला नंबर बाहर वाले से मल्टीप्लाई होता है, रूट वाला नंबर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है। दोबारा बोल रहा हूं, बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, तो 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो 6 आया, रूट 2 मल्टीप्लाई हुआ रूट 3 से तो 6√6 आया। एक एग्जांपल लेते हैं, 4√2 मल्टीप्लाइड बाय 3√7, 4 मल्टीप्लाई हुआ 3 से तो 12 आया, 2 मल्टीप्लाई हुआ 7 से तो √14 आया, हमें आंसर आया। आई होप आपको समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं आया, बहुत बढ़िया, अगर ये समझ आया। यहां देखिए अगला रूल, रूट के अंदर कोई नंबर ए है और रूट के अंदर कोई नंबर है बी और दोनों नंबर अलग है, तो प्लस करना हो या माइनस करना हो, नहीं होता, इनफैक्ट मैं लिखूंगा कभी नहीं होता, यानी रूट टू माइनस रूट थ्री नहीं होता, रूट टू प्लस रूट थ्री नहीं होता। लेकिन अगर नंबर सेम है तो होता है। एग्जाम्पल, एक रूट टू को दूसरे रूट टू में मल्टीप्लाई किया फिर एक रूट टू में प्लस किया, रूट टू को रूट टू में प्लस किया, कितने रूट टू? 3√2, तो मैंने यहां पे लिखा 3 बार √2। फॉर एग्जांपल यहां लिखा √2 + 3√2 − 2√2, 3√2 में से 2√2 माइनस, तो कितने रूट टू बचे? 1√2, जो यहां से बचा एक रूट टू वो प्लस हुआ इस रूट टू से, तो ये रूट टू और ये रूट टू मिलकर कितने रूट टू बने? 2√2।
बातें समझ आ रही हैं? ये बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। अगर ये बेसिक ज्ञान नहीं है तो वापस से मेरा सवाल वही है कि आप नाइन्थ में कर क्या रहे हैं। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, आपके लिए समझ आना बहुत जरूरी है। दिस इज समथिंग रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक रूल्स फॉर रूट वाले नंबर, जो एक नाइन्थ क्लास के बच्चे को पता होना चाहिए। नंबर सिस्टम के चैप्टर में जरूर काम आता है, बचने का कहां काम आता है। एक टॉपिक है बेटा जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही सुना, एक टॉपिक है जिसका नाम है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन नाम के टॉपिक में मेरे द्वारा बताए गए ये बेसिक है रूल जो बताए वो काम है आते। एक बच्चे ने पूछा भाई कैसे है काम आते, चलो अब आपको अगली चीज हम यही है बताते। इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाला अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर के अंदर पढ़े जाने वाला अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मेरी बातों को आराम से गुनना। आइए एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैप्टर का अगला टॉपिक जिसे हम कहते हैं रैशनलाइजेशन, बिल्कुल सही आपने सुना, रैशनलाइजेशन। सर ये रैशनलाइजेशन क्या होता है? रैशनलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी नंबर, आई रिपीट माय सेंटेंस, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में से, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना, किसी भी डिनोमिनेटर, किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर रूट को हटाना इज कॉल्ड एज, आई रिपीट माय सेंटेंस, इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। मैं रिपीट कर रहा हूं अपनी बात, इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना इज कॉल्ड एज रैशनलाइजेशन। एग्जाम्पल, बिल्कुल सही एग्जाम्पल। अगर टेक्निक सुनना, सीधा टेक्निक बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 3/√2, तो जब किसी नंबर के डिनोमिनेटर में रूट की एक टर्म होती है, मैं रिपीट कर रहा हूं, तीन केस होते हैं, या तो रूट में एक टर्म होगी या रूट में दो टर्म होगी और दोनों प्लस में होंगी, या रूट में आपकी एक टर्म माइनस में होगी, यानी अकेली टर्म, एक टर्म, दो टर्म प्लस में, दो टर्म माइनस में, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। टेक्निक ध्यान से आप सुनो, टेक्निक कहती है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में जब रूट की एक टर्म होती है तो उसी टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 को √2 से किया मल्टीप्लाई तो हमें मिला 3√2, √2 को √2 से किया मल्टीप्लाई तो हमें मिला 2। अभी रूल सिखाया था आंसर। किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में से रूट को हटाना, देखो रूट हट गया, यहां पे रूट था, तो ये टेक्निक है। एक बच्चे ने कहा ये क्या किया, अरे टेक्निक है, दोबारा बोल रहा हूं, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में रूट की एक टर्म होती है, अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर में रूट की एक टर्म होती है, तो जो भी टर्म है उसी टर्म को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में रूट की टर्म के साथ प्लस का साइन है, किसका साइन है, प्लस का साइन, तो उसी नंबर को ऊपर नीचे साइन पलट के मल्टीप्लाई करो। अगर किसी नंबर के डिनोमिनेटर में रूट की टर्म के साथ माइनस का साइन है तो उसी नंबर को ऊपर नीचे साइन पलट के मल्टीप्लाई करो। आइए एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं। 3/√2 + √3, तो 3/√2 + √3 मल्टीप्लाइड बाय √2 - √3/√2 - √3, तो 3/√2 - √3 डिवाइड बाय √2 + √3, a + b, a - b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई, a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई किया √2 से तो क्या आ गया 3√2, 3 मल्टीप्लाई किया √3 से तो क्या आ गया 3√3, डिवाइड बाय a का स्क्वायर यानी कि 2, b का स्क्वायर यानी कि -3, तो आंसर आया 3√2 - 3√3, 2 में से 3 गए -1 इज द आंसर। देख लीजिए, पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो घोर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, अपने दिमाग में इसे ठूस लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट।
ये देखो इसे सॉल्व करेंगे। जब साइन पलट दिया तो 4 अपॉन रूट 3 माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1। मैंने कहा था जब भी नीचे माइनस का साइन होगा तो साइन पलट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को मल्टीप्लाई किया रूट 3 प्लस 1 से a माइनस b a प्लस b a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। 4 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो 4 रूट 3, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 डिवाइड बाय रूट 3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 4 रूट 3 प्लस 4, 3 में से 1 गया 2, यहां पे हमने कॉमन ले लिया, 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बच गया रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, 2 बन जा 2 जा, आंसर कम्स आउट टू बी 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 3 प्लस 1। देख लीजिए, घूर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम के चैप्टर की जो रिवीजन चल रही है, इस वीडियो में पूरे नंबर सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिवाइज हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है आपके लिए नंबर सिस्टम को रिवाइज करने का। आइए इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक उठाते हैं, इस चैप्टर की आखिरी बात उठाते हैं, इस वीडियो लेक्चर की आखिरी बात उठाते हैं, और मैंने बहुत फटाफट आपके लिए नंबर सिस्टम को रिवाइज करा दिया। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जिसमें आपको पता होना चाहिए एक्सपोनेंट्स के बारे में। ये एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं? किसी भी चीज की जो पावर होती है, किसी भी नंबर की जो पावर होती है, उसे उसका एक्सपोनेंट कहते हैं, रेज टू द पावर या रेडिकल कहते हैं। आइए, इसकी कुछ बेसिक आइडेंटिटीज होती है, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए। तो जो बेसिक आइडेंटिटीज आपको पता होनी चाहिए वो बता रहा हूं। सबसे पहली आइडेंटिटी, बहुत ध्यान से सुनना, सबसे पहली आइडेंटिटी जो आपको पता होनी चाहिए कि x का पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू x का पावर m इंटू n। x का पावर n मल्टीप्लाइड बाय x का पावर n। एक बच्चा कहता है ये मल्टीप्लाई है, अरे एक्सपोनेंट्स के केस में डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो x का पावर m मल्टीप्लाइड बाय x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m प्लस n। x का पावर m डिवाइड बाय x का पावर n इज ऑलवेज इक्वल टू x का पावर m माइनस n। रूट x का मतलब, रूट x का मतलब, रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2। रूट एक्स का मतलब होता है एक्स का पावर 1/2, यह आपको पता होना चाहिए। अगर मैंने कहीं पे लिखा है 3 रूट एक्स, तो ये 3 इस रूट के बाहर है, लेकिन अगर कभी इस वाले गड्ढे में कोई भी नंबर लिखा जाए n, यहां पे नंबर का बाहर होना कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर का अंदर होना का मतलब होता है एक्स का पावर 1/n। सर मतलब अगर मैं लिखता हूं 3 गड्ढे में और एक्स, तो इसका मतलब होगा एक्स का पावर 1/3। जी हां, अगर मैं लिखता हूं 5 गड्ढे में और एक्स, तो इसका मतलब होगा एक्स का पावर 1/5। यह आपको समझाने के लिए इतनी भाषा सिंपल कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए। आपको समझ आना बहुत जरूरी है, ये बेसिक चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, ये बेसिक बातें आपको समझ आना बहुत जरूरी है। एक्सपोनेंट्स के कुछ रूल्स हैं जो आपको आने चाहिए, देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए कुछ इससे बेसिक्स, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। आइए, तो अगर ये आइडेंटिटीज आपको पता आ गई हैं, ये आइडेंटिटीज आपको पता लग गई हैं, तो इन आइडेंटिटीज के बेसिस पे आइए क्या कह रहे हैं। आइडेंटिटीज तो मिट गई, अरे ये देखो यार, दोबारा लिख दिया आपके लिए, ये देखो x का पावर m मल्टीप्लाइड बाय x का इज इक्वल टू x का पावर m प्लस n। x का पावर m और उसका भी पावर n इज इक्वल टू x का पावर m इनटू n। x का पावर m डिवाइड बाय x का पावर n इज इक्वल टू x का पावर m माइनस n। x का पावर 1/2 का मतलब होता है रूट x। ये बेसिक तो आपको पता होना चाहिए। पेपर में क्वेश्चन आया सॉल्व। फर्स्ट पार्ट, फॉर एग्जांपल 72 का पावर 1/3। अब देखो 78 को देखो जरा
72, मैं 72 यहां पे लिखा है, इसको 70 हम कर देते हैं, हां चलिए 72 ही रहने दो। 72 का पावर 1/3, देखो 72 के पहले फैक्टर निकालो, 72 के पहले फैक्टर निकालो। अगर मैं 72 के फैक्टर निकाल दूं तो बहुत ध्यान से सुनना, मेरे पास आया आपका 98 जा, लेकिन तो 98 जा में अगर मैं केवल बात करूं 2 की तो 23 जा 6, 236 जा, 218 जा, ध्यान से सुनना, 29 जा और 33 जा और 31 जा, देखो नजर आया। अब जरा गौर से देखो, इसको सॉल्व किया तो मैंने लिखा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2 का पावर 1/3, 2 का पावर 3 इनटू 3 का पावर 2 का पावर 1/3, तो ये पावर इसका भी है, पावर इसका भी है, तो 2 का पावर 3 का पावर 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2 का पावर 1/3, कैंसिल कैंसिल, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 का पावर 2/3 इज द आंसर। देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी है। इस तरह के कुछ बेसिक क्वेश्चंस आएंगे, पर मेरी आपको सजेशन है कि अपना समय बर्बाद मत करना, जैसे भी क्वेश्चन आए उन्हें अटेम्प्ट जरूर करना, लेकिन अटेम्प्ट करने से पहले एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारी भरपूर करना। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आपको अगर ये वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने नंबर सिस्टम के टॉपिक को रिवाइज कराया है, तो ये वीडियो लेक्चर नंबर सिस्टम के टॉपिक को रिवाइज कर रहा था, बहुत जल्द हम बाकी वीडियो लेक्चर भी लेकर आएंगे जिसमें बाकी चैप्टर्स को रिवाइज कराया जाएगा, लेकिन हर चैप्टर का इंट्रोडक्टरी लेक्चर ऑलमोस्ट अवेलेबल है मेरे चैनल पे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियोस को लाइक नहीं किया है और वीडियोस नहीं देखे हैं, तो फिर आप बहुत पीछे चल रहे हैं। डू वॉच ऑल द चैनल, डू वॉच ऑल द वीडियोस एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कॉमेंट एंड यस, मेहनत करना तो प्लीज मत भूलिएगा। आप 9th क्लास के स्टूडेंट है तो दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, इसलिए मेहनत करना जरूरी है। कीप वर्किंग हार्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू चिल्ड्रन।